हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे पॉकेट एफएम के बारे में। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि अगर हम लोग पॉकेट एफएम की स्टोरीज को यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो साइड स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचर कंप्लीट हो गए। तो जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचर कंप्लीट हुए, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने अप्लाई किया, उसके 2 दिन के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मुझे अर्निंग भी होने लगी, यहाँ तक मुझे $72 की अर्निंग भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद पॉकेट एफएम इंडिया ने मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दिया। तो जैसे उन्होंने मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दिया, मैंने सारी वीडियोस अपनी हटा दी हैं, अपने यूट्यूब चैनल से सारी वीडियोस हटा दी। तो गाइस, मैं जानता हूँ कि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतनी एडिटिंग, 3-3, 4-4 घंटे हम लोग एडिटिंग करते हैं, उसके बाद हमारी एक वीडियो तैयार होती है, और उसके बाद अगर हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि कैसा फील होता तो है। गाइस, जो लोग अभी भी पॉकेट एफएम की स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आज नहीं तो कल पॉकेट एफएम आपके भी चैनल पे स्ट्राइक मार ही देगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।